नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। भोजपुरी सुपरस्टार अपनी दूसरी पत्नी के तलाक को लेकर सुर्खियों में है। इसी बीच पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षा सिंह ने ऐसा गाना लॉन्च किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भले ही रियल लाइफ में हिट हों, लेकिन वो निजी जिंदगी में अब फ्लॉप नजर आ रहे हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षा सिंह का गाना अब किसका घर जलाओगे इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहा है, और ऐसे इन परिस्थितियों से जुड़कर भी कई लोग कमेंट कर रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की मैरिड लाइफ इन दिनों काफ़ी हलचल मची हुई है। पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी से तलाक को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं और उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इन सब के बीच पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह का एक नया गाना लॉन्च हो गया। अक्षरा सिंह ने इस लेटेस्ट भोजपुरी गाने के बोल हैं, अब किसका घर जलाओगे। दरअसल अक्षरा सिंह ने अपना लेटेस्ट सॉन्ग्स रिलीज किया है जो कि इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहा है। अक्षरा सिंह ने भोजपुरी सॉन्ग्स का अब घर किसका जलाओगे मैं अक्षरा सिंह अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में जाती हैं और स्टेज पर आकर बुकें देती हैं और बेखुश होने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाद में दूर जाकर उनके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। अक्षरा ने इस गाने को एक्ट्रेस ने खुद अपनी आवाज़ में गाया है, वहीं गाने के लिरिक्स ऋषि ग्वाला ने लिखे हैं। अक्षरा सिंह का गाना उस वक्त आया है जब पवन सिंह की निजी जिंदगी में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। फिर क्या था, फैंस अक्षरा के इस गाने को लेकर पवन सिंह से जुड़ने लगे, जिसे लेकर ढेरों सारे कमेंट सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह की पहली पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद अक्षरा सिंह भी उनकी ज़िंदगी में आई, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्होंने ज्योति सिंह से शादी रचा ली थी। तब अक्षरा सिंह ने भी काफ़ी कुछ उन पर आरोप लगाए थे और यहां तक कि एक थाने में पवन सिंह के खिलाफ उन्होंने FIR भी दर्ज कराई थी। हालांकि पवन सिंह ने अक्षरा को छोड़ किसी और से शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों के बीच रिश्ते आरोपों तक पहुंच गए, लेकिन अब अक्षरा सिंह के इस गाने को लेकर पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, सुनिए तो हम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।